अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा जो है वो लेक्चर वन है, पहला लेक्चर है, लेक्चर नंबर वन। जो हमारा कोर्स टाइटल है वो है हमारे पास मैथमेटिकल मेथड्स, ठीक है। और मैंने फिलहाल आप लोगों को बताया था कि जो आप बुक फिलहाल लेंगे, उसके बाद हम एक दो बुक और भी मैं लिखवाऊंगा, तो मैथमेटिकल मेथड बाय एक्सन यूसफ, ये आपकी बीएससी के अंदर इस्तेमाल होती है बुक, तो ये आप ले लीजिएगा ताकि हम स्टडी जो स्टार्ट करें। तो जो इसके अंदर टॉपिक्स वगैरह हैं, बुक का टाइटल मैं बता देता हूँ आप लोग को, ये वाला बुक का टाइटल है मैथमेटिकल मेथड्स बाय एहसन यूसुफ अब्दुल मजीद और मोहम्मद अमीन। इसके अंदर जो हमारे टॉपिक्स होंगे, तो पहला जो चैप्टर है वो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स का है। अभी मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी दूंगा नंबर्स के बारे में। तो हमारा पहला चैप्टर जो वो कम्प्लेक्स नंबर्स का है, उसके अलावा से बाकी मैथमेटिकल मेथड्स में होता है तो सारे हम कुछ ऐसे मेथड्स पढ़ेंगे जो हमारे आगे जाके काम जाएंगे उत्पन्न सब्जेक्ट के बारे में, और हमें पता होगा कि कौन कौन सी चीज़ें आगे इस्तेमाल होती हैं, जैसे ग्रुप्स हो गया, वेक्टर स्पेसिस होंगे, मैट्रिसेस वो आप लोगों ने जो बी एससी में पढ़े होंगे या मैट्रिक में पढ़े होंगे, ये वो है। फिर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आ जाएगा, मैट्रिसेस के थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे। फिर डिटर्मिनेंट्स हैं, और फिर ग्रुप के साथ ही वेक्टर स्पेसिस का चैप्टर आ जाता है, वेक्टर स्पेसिस, ठीक है। इनर प्रोडक्ट स्पेस और इनफाइनाइट सीरीज है और डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो मैं ये चैप्टर नाइन से ही स्टार्ट करूँगा, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से, क्योंकि अभी अभी आप लोगों ने कैलकुलस पढ़ा हुआ है, तो इस कैलकुलस के रिलेटेड ही ये चीज़ है ऑलमोस्ट। तो ये हम इंशाल्लाह पहले स्टार्ट करते हैं, तो उसके बाद थोड़ा सा कम्प्लेक्स और मैट्रिसेस की तरफ आएंगे। ये मैट्रिसेस वाला जो चैप्टर है, क्योंकि ये चैप्टर वो पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जिनके बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत पता है कैलकुलस, क्योंकि अभी आप लोगों ने पढ़ा है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन उसके मुताबिक एडजस्ट हो जाएगी। तो उसके बाद अगर मैं मैट्रिक के अंदर पढ़ा होगा मैट्रिसेस वगैरह, ठीक है, मैट्रिसेस पढ़ेंगे, फिर उसको लेके हम इंशाल्लाह ये दो तीन चीज़ें, दो तीन चैप्टर से वो स्टडी करेंगे। फिर उसके अलावा जो बाकी चीज़ें बच जाएंगी हम उसको फिर स्टडी करेंगे, ठीक है। कम्प्लेक्स नंबर हो गए, ग्रुप वेक्टर स्पेस और ये सारी चीज़ें, तो ये हमारे पास मैथमेटिकल मेथड का वो। तो सब जो स्टार्ट लेता हूँ मैं, और आज मैं सेट ऑफ नंबर से स्टार्ट ले रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आप लोगों का आइडिया हो कि हम लोगों ने करना क्या है उसके अंदर स्टार्ट सेट ऑफ नंबर। ऑलमोस्ट ये चीज़ें आप लोगों को पता तो होंगी, तो आप इंट्रोडक्शन के तौर पर ही इनको आपको अंडरस्टैंड करेंगे। सेट ऑफ नंबर्स, सेट ऑफ नंबर्स जो सबसे पहला सेट ऑफ नंबर होता है वो होता है नेचर नंबर्स, नेचुरल नंबर सेट हम पढ़ेंगे नहीं, सेट के जो बेसिक जो सेट्स हैं हम सिर्फ उसको देखेंगे। सबसे पहला है नेचुरल नंबर सेट, एन ओ नो का मतलब नंबर्स है, इसको हम कैपिटल एन से लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि नेचुरल एन से स्टार्ट होता है तो हम इसको एन से लिखते हैं। और एन में नंबर्स क्या होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेकर आगे तक, ये हमारे पास सेट ऑफ नंबर्स नेचुरल के। अच्छा, दूसरा बाकी जो उसके बारे में चीज़ें बेसिक वो मैं नहीं बताऊँगा, जैसे सेट सेट हो गया, फिर फाइनाइट इनफाइनाइट सेट हो गया, सेट बिल्डिंग फॉर्म हो गई, जो इसको लिखने के तरीके हैं वो चीज़ें हम नहीं पढ़ रहे, हम सिर्फ सेट ऑफ नंबर से स्टार्ट लिए, वो चीज़ें आप लोगों को आनी चाहिए। दूसरा है होल नंबर सेट, होल नंबर्स क्योंकि डब्ल्यू से है तो डब्ल्यू से लिखा गया। अब डब्ल्यू में भी आप देखें, ये जो सेट ऑफ नंबर्स होता है ये होता है 0, 1, 2, 3 से लेकर
100 तक। अब एक चीज आप जरा नोट कीजिएगा कि जो नया सेट ऑफ नंबर्स है उसके अंदर पिछला सेट ऑफ नंबर्स मौजूद है। अब देखें होल नंबर सेट था, इससे पहले कौन सा आया था, नेचुरल नंबर आया था, तो नेचुरल नंबर्स के अंदर 1, 2, 3 से सारे हैं। ये सारे के सारे नंबर्स आप देखें डब्ल्यू के अंदर मौजूद है। 0 को अगर हम हटा दें तो बाकी सारे नंबर्स इसके अंदर मौजूद हैं। फिर दूसरी बात जो है एक ये बात आ गई कि ओल्ड सेट जो है इज इन न्यू सेट, जो पुराना सेट है वो नए सेट में मौजूद होगा। और दूसरी बात क्या है कि समथिंग न्यू यानी कि कोई ना कोई नई चीज भी। तो दूसरा क्या चीज है कि समथिंग न्यू यानी कि कोई ना कोई नई चीज भी आएगी। ठीक है, अब जैसे इसके अंदर नई चीज क्या आई है, इसके अंदर नई चीज आई है वो 0 है। इसके अंदर नई चीज क्या आई, 0 आई। अच्छा, अब जो अगला सेट ऑफ नंबर है, ये दो चीजें याद रखनी आप लोगों ने। एक क्या हो गया कि जो पुराना सेट ऑफ नंबर है वो उसके अंदर मौजूद है, और दूसरी बात क्या हो रही है कि कोई ना कोई नई चीज भी आई। अगला जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स है, नेक्स्ट वन इज सेट ऑफ इंटीजर्स। इसको हम आई से भी लिखते हैं और इसको हम जेड से, मैथमेटिशियन का नाम से हम जेड से। अब इसमें देखें इसमें क्या होगा, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 से लेकर 100। अब वही दो बातें देखें, 0 प्लस 1 प्लस 2 ये सारे तो ये वाले नंबर आ रहे, ये वाला इसके अंदर मौजूद था, ये वाला इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, अगर आपको सबसेट का पता हो तो हम ये कह सकते हैं कि n जो है वो सबसेट किसका है, w का। ठीक है, और w जो है वो सबसेट किसका है, i का, यानी कि डब्ल्यू आई के अंदर मौजूद है, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, नई चीज़ कौन सी आ गई है, माइनस 1 माइनस 2 ये सारे नंबर्स क्या आ गए, नहीं आ गए। अगला जो सेट ऑफ नंबर्स है, अगला जो सेट ऑफ नंबर्स है वो है रैशनल नंबर। वो कौन सा है, रैशनल नंबर या क्वेश्चन नंबर्स भी कहते हैं, क्वेश्चन। ठीक है, और इसको हम किससे लिखते हैं, क्यू से। ठीक, अच्छा, अब अभी तक ये बच्चे जो भी चीज याद रखिए कि जो अभी तक जो हमने सेट ऑफ नंबर्स पढ़े हैं उसमें सबसे बड़ा सेट ऑफ नंबर्स कौन सा है, आई चल रहा है, क्योंकि इसके अंदर ये सारे मौजूद है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अब क्यूब में क्या होता है, अब नई चीज आएगी, एक्स और वाई टाइप के नंबर होंगे। ठीक है, एक्स भी नंबर है वाई भी नंबर है, और एक्स और वाई कहाँ से लिए जाएंगे, अभी तक जो पढ़े हैं सेट ऑफ नंबर सबसे बड़ा कौन सा है, जेड है, तो ये यहाँ से लिए जाएंगे। तो एक्स और वाई कहाँ से लिए गए, ये बताना लाजमी है। अदरवाइज क्या होगा कि आप यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं, अगर इसमें से ले लेंगे तो माइनस आ जाएंगे, माइनस वाले मिस हो जाएंगे। तो हमने जो सबसे बड़ा सेट ऑफ नंबर्स होता है हमने वहाँ से ले लिया, तो सबसे बड़ा सेट ऑफ नंबर्स क्या है, जेड है या आई है, तो हमने ये यहाँ से ले लिया। अच्छा, अब और कंडीशंस भी हैं कुछ, एक तो हमने एक्स और वाई कहाँ से लिए, जेड से लिए। ठीक है, कुछ कंडीशंस और भी हैं उसको बताने के लिए मैं पहले कुछ चीज़ें बताता हूँ। जैसे देखें एक्स और वाई कहाँ से लिए गए, जेड से लिए गए, जेड में पॉजिटिव नंबर्स भी हैं, जेड में नेगेटिव नंबर्स भी हैं, जेड में जीरो भी है। मेन चीज़ जो है वो ये है, ये तंग करेगा। हम जब पहले नंबर्स को देखते हैं, अब देखें एक्स और वाई दोनों कहाँ से लेंगे, हमने जेड से लेंगे, तो नंबर्स क्या बन जाएंगे, 1 और 2 बन जाएगा, 1 और 2 दोनों कहाँ से हैं, यहाँ से। ये भी हो सकता है कि हम 1 नेगेटिव ले लें, नीचे वाला पॉजिटिव ले लें, ये भी हो सकता है कि ऊपर वाला पॉजिटिव ले लें, नीचे वाला क्या ले लें, पॉजिटिव ले लें। ये भी हो सकता है कि हम ऊपर या नीचे सेम ले लें, उससे कैंसिलेशन होकर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये भी हो सकता है कि ऊपर 6 हो जाए नीचे 3 आ जाए, तो कैंसिलेशन के बाद क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। माइनस ले लेंगे तो ये -2 हो जाएगा। तो ये सारे नंबर जितने भी बनेंगे वो ये वाले बनते जाएंगे।
जेड वाई। अभी मैंने आपको दो चीजें कही थी कि याद रखनी है, एक तो ये थी कि जो पिछले सेट ऑफ नंबर्स हैं वो भी इसके अंदर मौजूद होना चाहिए। अब पिछले सेट ऑफ नंबर्स कौन सा, 0, 1, 2, 3, ये सारे नंबर्स इसमें होने चाहिए। अब देखें वन कैसे आएगा इसके अंदर, अगर हम ऊपर भी वन ले लें नीचे भी वन ले लें तो वन मिल जाएगा। माइनस वन कैसे आएगा, ऊपर माइनस वन ले लें नीचे वन ले लें, ठीक है ये भी हो सकता है। तो ऊपर माइनस टू ले लें नीचे टू ले लें तो कैंसिलेशन के बाद भी माइनस वन आ जाएगा। टू कैसे आएगा, तो अगर हम ऊपर टू ले लें नीचे वन ले लें, या ऊपर फोर ले लें नीचे टू ले लें तो कैंसिलेशन के बाद टू आ जाएगा। तो ये सारे नंबर्स पुराने इसके अंदर मौजूद हैं। और नए नंबर कौन से हैं, नए नंबर ये हैं 1/2, -1/2, 2/3, ये सारे के नए नंबर आ रहे हैं। ठीक है, दो बातें वो कंप्लीट हो गई कि पुराने सेट इसके अंदर मौजूद होगा और दूसरी बात है कि समथिंग न्यू। अच्छा, अब प्रॉब्लम जो आता है वो आता है जीरो के साथ। एक तो ये कि ये जीरो भी तो शामिल होना चाहिए, तो हम इसके अंदर जीरो कैसे शामिल करेंगे। अब देखिए ऊपर और नीचे यहाँ पे जीरो आ सकता है, यहाँ पे कोई नंबर आ सकता है। ठीक है, ये भी हो सकता है कि ऊपर कोई नंबर आ जाए नीचे जीरो आ जाए। जैसे देखें अगर हम ऊपर जीरो ले लें नीचे कोई नंबर आ जाए, ये भी हो सकता है कि ऊपर कोई नंबर आ जाए नीचे जीरो आ जाए। जीरो मौजूद है ना, क्योंकि एक्स और वाई कहाँ से लेने, जेड से लेने, और जेड इस में नंबर जीरो भी शामिल है। इन नंबर से इतना फर्क नहीं पड़ता, जीरो से प्रॉब्लम आ गया। और ये भी हो सकता है इम्पोर्टेंट पॉइंट कि ऊपर भी जीरो आ जाए और नीचे भी जीरो आ जाए। ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी है और यही हमें तंग करेगा। ठीक है, ये तीन चीजें। अच्छा, अब देखें एक चीज याद रखिए कि जीरो से नीचे कोई भी अगर नंबर हो समथिंग, जीरो अगर समथिंग ऑलवेज इक्वल टू जीरो, अगर ऊपर न्यूमरेटर में जीरो हो नीचे डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर हो तो हमेशा किसके इक्वल होता है, जीरो के। और अगर ऊपर ऊपर कुछ भी हो नीचे जीरो हो तो ये इक्वल होता है इन्फिनिटी के। दिस इज इन्फिनिटी। ठीक है, और इसका सिंबल, ये इसका सिंबल है, इसका मतलब होता है अनडिफाइंड। डिफाइंड वो होता है जैसे ये 0, 1, 2, 3, ये सारे नंबर्स डिफाइन किए हुए, ये अभी तक डिफाइन नहीं होता था। तो ऊपर कोई नंबर है नीचे जीरो होता है वो क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। दिस वन इज द सिंबल फॉर अनडिफाइंड नंबर्स। अच्छा, अब यही भी याद रखिएगा, ये क्या चीज है, सिंबल है, नंबर नहीं है। इन्फिनिटी इज नॉट अ नंबर, दिस वन इज अ सिंबल, ये याद रखिएगा। जबकि 0, 1, 2, 3, -1/2, 3, ये 1/2, 2/3, ये सारे क्या नंबर्स हैं, डिफाइंड है। ठीक है, ये सिंपल है। अच्छा, और ये जो तीसरी चीज है ये वाली, ये अब हमें डिस्टर्ब कर रही है। इसको अगर हम देखें इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि ऊपर जीरो है नीचे कुछ भी आ जाए तो फिर तो इसका रिजल्ट क्या बनना चाहिए, जीरो बनना चाहिए। और अगर हम इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि ऊपर जो मर्जी हो नीचे जीरो हो तो ये क्या आता है, इन्फिनिटी आता है। यानी कि इसके दो रिजल्ट बन गए। और ये चीज क्या है, ये डिफाइंड है नंबर, डिफाइंड है, जीरो इज डिफाइंड नंबर। इन्फिनिटी क्या चीज है, ये अनडिफाइंड है यानी कि सिंबल है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे इस चीज का रिजल्ट क्या आ गया, डिफाइंड भी आ गया, अनडिफाइंड भी आ गया, नंबर्स भी बन गए, ये नंबर है, दिस वन इज अ नंबर, नंबर भी बन गए और सिंबल भी बन गए। ठीक है, तो जब इस तरह का क्लैश आ गए तो ऐसी ये जो चीज है इसको हम फिर क्या कहते हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं, इनडिटर्मिनेट। दिस इज कॉल्ड इनडिटर्मिनेट फॉर्म, यानी कि इसके बारे में हमें पता नहीं है कि ये डिफाइंड है या अनडिफाइंड। फिर हम कुछ मेथड्स होते हैं उसको अप्लाई करते हैं, तो इसको या तो फाइनाइट डिफाइंड नंबर्स में कन्वर्ट कर देते हैं या इसको अनडिफाइंड में। ये दो फॉर्म में आती है ना, 0/0 से जीरो भी बन सकता है, इन्फिनिटी भी बन सकता है। ठीक है, और एक और चीज़ भी बन सकती है कि जैसे देखें अगर 2/2 हो तो ऊपर नीचे कैंसिलेशन के बाद क्या आता है, वन आता है ना। तो अगर हम मायने है ना, मायने चीज़ आ सकती है कि अगर हम 0/0 को काट दें तो फिर भी क्या आ जाता है, वन आ जाता है। तो ये बन के ये भी डिफाइंड नंबर है, 0 भी डिफाइंड नंबर है, 1 भी डिफाइंड है। तो मैं तो ये बात कह रहा हूँ कि अगर इस तरह की चीज़ आ जाए तो डिफाइंड भी हो अनडिफाइंड भी हो, तो ऐसी फॉर्म को हम क्या कहते हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, यानी कि इसके अंदर डिफाइंड भी है और अनडिफाइंड भी है। फिर हम कुछ मेथड लगा के इसको या तो डिफाइंड में कन्वर्ट कर देते हैं या अनडिफाइंड किसी एक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, वो बात की बातें हैं। ठीक है, तो ऐसी फॉर्म को क्या कहते हैं, इनडिटर्मिनेट। अच्छा, फिर एक और चीज थीमेटिक में आप लोगों ने जो सेट की डेफिनेशन होती है, सेट की डेफिनेशन क्या होती है कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड
डिस्टिंक्ट भी होते हैं, कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, यानी कि कलेक्शन लेनी है, कलेक्शन का आपको पता है। फिर डिस्टिंक्ट का मतलब है कि सारे नंबर्स होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है, 1 2 3 हो गया इस तरीके से। फिर वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है कि अगर आप नंबर्स ले गए तो उसके अंदर नंबर ही आने चाहिए सारे, ये ना हो कि आपने कुछ नंबर्स ले लिए, कुछ आपने ए बी सी ले लिए, कुछ आपने फ्रूट्स डाल लिए, बनाना वगैरह, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दिस इज नॉट वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब है कि जिस कलेक्शन से आप ले गए उसी कलेक्शन की चीजें होनी चाहिए, ठीक है। जैसे अगर आप नंबर्स पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर नंबर्स ही आने चाहिए, कोई और चीज नहीं आनी चाहिए। अगर आप अल्फाबेटिकली पढ़ रहे हैं, ए बी सी पढ़ रहे हैं, तो ए बी सी की ही चीजें सेट के अंदर आनी चाहिए, कोई और चीज नहीं आनी चाहिए। अगर आप फ्रूट्स पढ़ रहे हैं या नाम पढ़ रहे हैं असलम अकरम, तो इसके अंदर नेम ऑफ द पर्सन से आनी चाहिए, कोई और चीज नहीं आनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड वेल डिफाइंड। और जस्ट का तो आपको पता है कलेक्शन है, कोई भी चीज हो सकती है। तो डिस्टिंक्ट का क्या मतलब है कि डिफरेंट आने चाहिए सारे नंबर। वेल डिफाइंड का क्या मतलब है कि उसी कलेक्शन में से होने चाहिए, अगर नंबर्स हैं तो नंबर्स होने चाहिए, अल्फाबेट है तो अल्फाबेट होने चाहिए, नेम्स हैं तो नेम्स होने चाहिए। अच्छा, अब प्रॉब्लम कहाँ पे आ गया? प्रॉब्लम आ गया जी इसके अंदर, इसके अंदर एक्स ओवर वाई। जब हम इसके अंदर इस तरह की चीजें लेते हैं, ऊपर जीरो ले लें नीचे नंबर, तो वो तो आपको क्या बन जाएगा? जीरो बन जाएगा। और ये जीरो क्या चीज है? डिफाइंड चीज है, जीरो नंबर है, जीरो इज अ नंबर डिफाइंड और नंबर भी है। तो हम तो क्या पढ़ रहे हैं? सेट ऑफ नंबर्स ही पढ़ रहे हैं ना, उसके अंदर नंबर्स आने चाहिए, कोई और चीज नहीं आनी चाहिए। तो नंबर किस वक्त आएगा? जब ऊपर जीरो हो और नीचे कोई नंबर हो, तो फिर आएगा। अच्छा, अब जब ये चीज लेंगे हम, क्या ऊपर कोई चीज ले लें, कोई और नंबर ले लें और नीचे जीरो ले लें, तो ये क्या बन जाता है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्या चीज है? अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्या चीज है? सिंबल है, ठीक है। और ये हम क्या पढ़ रहे हैं? नंबर्स, तो इसके अंदर सिंबल नहीं आ सकता, वेल डिफाइंड नहीं होगा। वेल डिफाइंड की अभी मैंने डेफिनेशन बताई है कि जिस कलेक्शन को आप पढ़ रहे हैं वही कलेक्शन की चीज आनी चाहिए। तो ये चूंकि हम नंबर्स पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर नंबर ही बनना चाहिए। तो नंबर किस वक्त बनता है? कि ऊपर जीरो हो, नीचे जो मर्जी हो, ठीक है। यानी कि ये एक्स जो है वो जीरो हो सकता है और वाई जीरो ना हो। अच्छा, ये तो नंबर बन जाएगा, मगर इस केस में क्या होगा कि ऊपर नंबर हो और नीचे जीरो हो, तो ये क्या बनता है? सिंबल बनाता है। तो इसलिए सिंबल तो इसमें नहीं आएगा, क्योंकि ये तो नंबर है। तो हम तो इसमें कंडीशन लगा देते हैं कि वाई जो है वो जीरो नहीं होगा। जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर जब हम जीरो करते हैं तो उससे क्या बन गया? सिंबल बन गया। जबकि हम क्या पढ़ रहे हैं? नंबर्स पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें सिंबल नहीं आने चाहिए। अच्छा, अब ये भी नहीं होगा इसके अंदर और ये भी नहीं होगा। ये कैसे बनता है? जब डिनोमिनेटर क्या हो? जीरो। तो वो हमने कंडीशन लगा दी कि जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर जीरो हो जाए वो तो सिंबल बन जाएगा, वो उसके अंदर नहीं आएगा। और ये वाला केस भी इसी में आ गया कि नीचे जीरो आ गए, तो ये हमारे पास क्या होगा? सेट ऑफ रैशनल, ठीक है। रैशनल को क्यू से, क्यू फॉर क्वेश्चन के लिखते हैं। अच्छा, रैशनल की पर कहानी भी है कि रैशनल वर्ड निकला है रेशो से। आपने एट्थ क्लास में पढ़ा होगा रेशो, रेशो का लिखते हैं एक्स रेशो वाई। तो इसको कैसे लिखा जाता था फ्रैक्शन में? एक्स ओवर वाई। तो इस वजह से इसको हम रैशनल लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो आपके पास है नंबर वो है ए रैशनल। नेक्स्ट नंबर ए रैशनल, ए रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। ये असल में एक चीज और भी आपको याद होगी, कंप्लीमेंट सेट, कंप्लीमेंट ऑफ द सेट। कंप्लीमेंट क्या होता है? कंप्लीमेंट क्या होता है कि एक यूनिवर्सल सेट होता है आपके पास, 1 2 3 से लेकर सपोज करते हैं 10 तक ले लेते हैं। एक आपके पास सेट ए है 1 2 3, तो जो कंप्लीमेंट होता है ए का कंप्लीमेंट, वो क्या होगा? यू माइनस ए, यानी कि यू के वो एलिमेंट जो इसके अंदर मौजूद नहीं है, जैसे 4 5 6 से लेकर कहां तक आएगा? 10 तक। तो ये कंप्लीमेंट होता है। कंप्लीमेंट को सी से लिखते हैं और ए के ऊपर डैश के साथ भी लिखते हैं, ठीक है, इस तरह लिखते हैं। अच्छा, ए रैशनल नंबर क्या चीज है? ए रैशनल क्या चीज थी कि जिस मैथमेटिशियन ने इस पर काम कर रहा था, वो उसका असल में इस मैथमेटिशियन के साथ इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। तो उसने जो कहा कि अभी तक जो सबसे बड़ा सेट ऑफ नंबर क्या था, वो क्यू था, क्योंकि जब भी क्यू के अंदर मौजूद है, ठीक है। जैसे मैंने कहानी बताया था ना, नेचुरल नंबर डब्ल्यू के अंदर मौजूद है, डब्ल्यू आई के अंदर मौजूद है, आई क्यू के अंदर मौजूद है। अब जो अगला बना है
इरेशनल, उसको हम कहते हैं प्योर कॉम्प्लीमेंट। उससे पहले ये चल रही थी कि जी देखें, एक आपके पास यूनिवर्स है, यूनिवर्स के अंदर जो सेट ऑफ नंबर्स बनेंगे सारे के सारे क्या बन गए, क्यों बन गए, जो अभी तक सेट ऑफ नंबर्स बड़ा था, ठीक है, वो सारे के सारे दुनिया में जो सेट ऑफ नंबर्स मौजूद थे, सबसे बड़े सेट ऑफ नंबर्स मौजूद थे, वो थे क्यों। क्यों कॉम्प्लीमेंट वो नंबर्स हैं जो क्यों को छोड़ दें, यानी कि अगर यहाँ पर कोई क्यों पड़ा हुआ, ये क्यों, दूसरा मीन क्यों, तो जो बाकी नंबर्स बचेंगे उस पर उन्होंने उसको क्या नाम दे दिया, क्यों कॉम्प्लीमेंट का नाम दे। इन दोनों के अंदर समझ नहीं थी इतनी ज़्यादा, तो उन्होंने कहा, इस वाले मैथमेटिशियन ने ये कहा कि मेरे वो नंबर्स हैं जो इस वाले नंबर्स को निकाल के जो बाकी बचेंगे वो सारे नंबर्स के हैं वो मेरे पास। सिंपल सी उसने वो बात की थी कि पूरे यूनिवर्स के अंदर इस क्यू को निकाल दें तो बाकी के नंबर बचेंगे ये मेरे नंबर, क्यों कॉम्प्लीमेंट, इसलिए इसको क्यू कॉम्प्लीमेंट कहा गया कि यूनिवर्सल में से इसके क्यू वाले निकाल दें तो वो आपके पास क्यू कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें नंबर्स कैसे होंगे, नंबर इसका क्या होंगे, स्क्वायर रूट के अंदर क्या आएगा, एक्स आएगा, स्क्वायर रूट के अंदर एक्स आएगा, एक्स क्या चीज़ है, नंबर है। अच्छा अब यहाँ पे देखिएगा, अब एक्स जो है वो कहाँ से होना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा सेट ऑफ नंबर तो क्यू है, तो एक्स कहाँ से होना चाहिए, क्यू से होना चाहिए। मगर उस वक्त चूंकि इन दोनों का आपस में नहीं थी इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग, तो इसने ये कहा था कि क्यू वाले नंबर्स नहीं लेने, आप जेड में से ले लें, ठीक है, या कहीं वहाँ से ले लें। मगर इसने ये कहा था कि क्यू वाले नंबर्स नहीं आने, क्यू वाले नंबर्स का मतलब है कि ऐसे नंबर्स, अब देखिए यहाँ पे अगर हम एक्स लेते हैं, वन ले लेते हैं, वन का स्क्वायर रूट क्या आ जाता है, वन का स्क्वायर रूट क्या आता है, वन आ जाता है, फोर का स्क्वायर रूट लेते हैं क्या आता है, टू आ जाता है, तो ये वन और टू किसके अंदर मौजूद है, क्यू, क्यू के अंदर मौजूद है, कहते क्यू वाला रिजल्ट नहीं आना चाहिए, जो रिजल्ट आएगा इसको सॉल्व करने के बाद वो क्या आता है, क्यू आता है, क्यू वाले नंबर आएंगे। और ये किस वक्त आते हैं, जब इसके अंदर आपके पास क्या हो, नाइन, नाइन क्या चीज है, थ्री का स्क्वायर बनता है, परफेक्ट स्क्वायर इसके करते हैं तो फिफ्थ हो जाता है। तो इसने कंडीशन ये लगाई थी कि उस वक्त तो कंडीशन जेड की थी, बाद में फिर ये चेंज होकर क्यू आ गई थी, ठीक है, तो कंडीशन ये है कि एफ जो लेंगे वो क्यू से लेंगे, फ्रैक्शन भी ले सकते हैं, मगर शर्त क्या है, तो जो भी नंबर लेंगे कि एक्स इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि जो एक्स होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, यानी कि उसमें से ये वाले नंबर्स ना निकले। इसी तरीके से देखें ये भी नहीं होना चाहिए, फोर बाई नाइन, क्योंकि इसका रिजल्ट क्या आ जाता है, टू बाई थ्री, यानी कि स्क्वायर खत्म हो जाता है। तो उसने कहा था ऐसे नहीं लेना जिसमें स्क्वायर कम्प्लीट हो जाता है, ठीक है, तो ये वाले आपके क्या हो गए, क्यू कॉम्प्लीमेंट। अच्छा उसके बाद क्यू कॉम्प्लीमेंट, अब कहानी यहाँ से थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ गई, ये सेट ऑफ नंबर्स डिफरेंट हैं, ये सेट ऑफ नंबर्स डिफरेंट है। और एक मैं बात आपको और भी बात बताया था पहले कि एक तो ये कि पुराने सेट नए सेट के अंदर मौजूद है, पहली बात, दूसरी बात कि कोई ना कोई नई चीज़ भी आनी चाहिए। अब नई चीज़ तो आ गई है, ये आपके पास क्या है, नई चीज़ तो आ गई है। अब मसला क्या है कि पुरानी चीज़ नहीं आ गई, क्योंकि इसमें तो हमने ये वाली कंडीशन लगा दी है परफेक्ट स्क्वायर वाली। परफेक्ट स्क्वायर से क्या होता है कि परफेक्ट स्क्वायर से तो नंबर्स क्यू वाले आ जाते हैं, तो उसने तो कहा था क्यू वाले देने ही नहीं है। तो अब यहाँ पर हमारे पास दो सेट चल पड़े हैं, एक हमारे पास सेट चल पड़ा है क्यू का, एक सेट हमारे पास चल पड़ा है क्यू कॉम्प्लीमेंट का। इसके अंदर से सब कुछ मौजूद है, इसके अंदर ये वाले नंबर्स आ गए इसके रूप के अंदर ये। अच्छा एक और कंडीशन भी है कि एक्स जो है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, एक्स इज पॉजिटिव, नेगेटिव नंबर नहीं मिलेगा। अच्छा जी ये चीज़ आ गई। अब अगर आपको मैट्रिक्स याद हो या ऐसे याद हो, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, मैं जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, इसी तरीके से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी 27 के चीज है, जो रेस्पेक्टिव एडिशन भी 27 है, 27 मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से तो 54 प्रॉपर्टीज बन जाती है। अच्छा जब हम यहाँ पर लगाते हैं कंडीशन, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अगर हम सिर्फ 54 प्रॉपर्टीज लगाते हैं तो हमें क्यू पे अलहदा लगानी पड़ेंगी और क्यू कॉम्प्लीमेंट पे अलहदा लगानी पड़ेगी। जब आपका एक कंबाइंड सेट होता है जैसे क्यू, जैसे यहाँ पर देखें डब्ल्यू का, डब्ल्यू नेचुरल इसके अंदर मौजूद है, तो हम जो प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे वो इसके ऊपर स्टडी करेंगे क्योंकि बड़ा सेट है। फिर ये बड़ा बन गया तो इन पर स्टडी करने की क्या है, जेड पे स्टडी कर लेंगे। फिर जब जैसे ही बड़ा आ गया तो फिर सारी इस पर स्टडी करने के बजाय हम इस पर स्टडी करेंगे,
मगर ये बड़ा नहीं है, ये बड़ा इसलिए नहीं है कि क्यू इसके अंदर मौजूद नहीं है। तो अब हमारे लिए काम डबल हो गया, यानी कि क्यू पे कोई चीज़ पर अगर हमने पढ़नी है तो क्यू के लिए अलग पढ़नी है, क्यू कंप्लीमेंट के लिए अलग पढ़नी है। तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम आ गया, यानी कि ये जो 54 प्रॉपर्टीज हैं ये इससे भी पढ़नी है अलग से और इससे भी पढ़नी है। जबकि पहले क्या होता था क्यू कंप्लीमेंट से पहले तो जो भी बड़ा सेट होता था हम उसके ऊपर ये चीज़ स्टडी कर लेते। तो आने वाले मैथमेटिशियंस ने इसका हल ये निकाला, जो बाद में आने वाले मैथमेटिशियन थे उन्होंने एक नए नंबर इंट्रोड्यूस किए इस चीज़ को कवर करने के लिए कि हम अलग अलग क्यों पढ़ना शुरू करें। उन्होंने बनाए रियल नंबर्स का सेट, उन्होंने बनाए रियल नंबर्स। रियल नंबर्स ने क्या किया, वो तो हमारे पास दो डिफरेंट नंबर थे, एक क्यू बन गया था एक क्यू कंप्लीमेंट बन गया था, उन्होंने उसको कंबाइन कर क्या किया क्यू को और क्यू कंप्लीमेंट को कंबाइन कर दिया। अब क्या हुआ, अब इसके अंदर नंबर्स ऐसे भी आ गए, ठीक है ऐसे भी आ गए, ठीक है क्यू वाले सारे आ गए और क्यू कंप्लीमेंट बन गया, ऐसे नंबर जिनका स्टे होते नंबर ये भी आ गए। तो ये हमारे पास क्या आ गया रियल नंबर्स, दिस इज कॉल्ड रियल नंबर्स। अच्छा इसके बाद जो नंबर्स बनाए गए वो बनाए गए कम्प्लेक्स नंबर्स। तो कम्प्लेक्स नंबर्स को लिखते हैं सी के साथ। अब इसको लिखते फिलहाल तो फॉर्मेशन में बता दूँ, बाकी बात की बात है एक्स प्लस सेटर वाई, ठीक है और एक्स और वाई कहाँ से लिए जाएंगे, ये नंबर से लिए जाएंगे। तो ये हम करते हैं कम्प्लेक्स नंबर। अब ये आयोटा जो है दिस इज इक्वल टू माइनस वन स्केयर रूट। अब जब मैं इसकी फॉर्मेशन के बारे में आपको बताता हूँ कि ये चीज़ कैसे है। अच्छा अब देखें जो नए सेट, जब आपने पिछले सेट पढ़े थे लास्ट वाले जो क्यू कम्प्लीमेंट पढ़ा था तो क्यू कम्प्लीमेंट में स्केयर रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर एक्स इज पॉजिटिव नेगेटिव नहीं थे। तो जो नए नंबर्स बनाए गए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये किया कि उसके रूट के अंदर नेगेटिव नंबर ले लिए, ऐसे नंबर के लिए, ठीक है। अब तो कंडीशन ही नहीं है ना कि परफेक्ट उसके हो कि ना हो। अब जो नंबर्स लिए गए वो इस तरह के लिए गए स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव, नई चीज जो निकाली गई वो ये अभी निकाली गई। अच्छा अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस वन इंटू टू, इसको हम कैसे लिख सकते हैं माइनस वन इंटू फाइव, यानी कि जितने भी नंबर होंगे अब स्क्वायर रूट के अंदर क्या आएगा नेगेटिव आ जाएगा नंबर्स के साथ, ठीक है। और ये होगा कि इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस वन इंटू, ठीक है। और उसके बाद फर्दर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस वन इंटू टू स्केयर रूट माइनस वन इंटू फाइव स्केयर रूट माइनस वन इंटू फोर स्केयर रूट, वो अलग बात है कि ये टू बन जाता है। तो अब जितने भी नंबर्स बनेंगे, अब जो नंबर्स बनाए गए थे असल में वो ये थे, ये मैं नंबर सुन जाता हूँ, जो नए नंबर्स बनाए गए थे वो ये कहा गया था कि ये स्क्वायर रूट के अंदर एक्स है और एक्स क्या चीज है नेगेटिव है। अब जो नए नंबर्स बने थे वो ये बने थे स्क्वायर रूट के अंदर एक्स है और एक्स क्या नेगेटिव, ठीक हो गया। अब ये इंस्टा के नंबर बन गए, ऐसे भी हो सकते हैं माइनस वन टू टाइप के भी हो सकते हैं, तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस वन का स्क्वायर रूट इंटू स्क्वायर रूट ऑफ वन बाई टू लिखा जा सकता है। अब एक चीज देखें कि सबके अंदर ये चीज आएगी, जिनके स्क्वायर रूट के अंदर क्या नेगेटिव है नेगेटिव को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो सब नंबर्स के अंदर क्या आएगा माइनस वन का स्क्वायर रूट आएगा सबके अंदर। और इसी चीज को फिर एक नया नाम दे दिया गया माइनस वन इज इक्वल टू आयोटा। अच्छा ये चीज तो आयोटा में कन्वर्ट होगी, तो ये नंबर अब किसमें कन्वर्ट हो गया, इसमें हम क्या ले सकते हैं कि नेगेटिव जो है नेगेटिव का स्क्वायर रूट ये होगा, ये तो आयोटा में बदल गया, तो बाकी जो चीज बदल गई वो स्क्वायर रूट टू है, यानी कि इसको हमने इस तरह लिख दिया स्क्वायर रूट टू ऑफ आयोटा। आयोटा बाहर है, आयोटा के ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है, ठीक है ये याद रखिएगा। स्क्वायर रूट माइनस टू था, माइनस वन का स्क्वायर रूट अलग हो गया, टू का स्क्वायर रूट अलग हो गया, माइनस वन के स्क्वायर रूट के साथ ही इसको हमने क्या नाम दे दिया आयोटा। तो यहाँ पे क्या आ गया आयोटा आ गया, तो ये स्क्वायर रूट टू आयोटा, आयोटा बाहर है स्क्वायर रूट के, ठीक है। ये किस में बदल गया, ये स्क्वायर रूट फाइव आयोटा बाहर आ गया, ये किस में बदल गया
टू आयोटा में, क्योंकि ये माइनस वन था, माइनस वन का स्क्वायर रूट वो तो आयोटा में बदल गया, फोर का स्क्वायर रूट क्या ले सकते हैं टू आयोटा, ये किस में बदल गया वन वन टू आयोटा। अब क्या हुआ कि हम ये जो नंबर्स थे ये वाले, इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि नेगेटिव को हटा दें तो उसकी जगह क्या लिख दें आयोटा और बाकी नंबर्स के साथ स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर्स आ गए वो पॉजिटिव आ गए, ठीक है, ये हम इसको फोर स्क्वायर रूट ही कह देते हैं फिलहाल, ठीक है। स्क्वायर रूट के अंदर क्या नंबर बन गए, पॉजिटिव बन गए और साथ क्या लग के आयोटा। तो इसकी अमेंडमेंट क्या हुई कि ये पहले क्या थे एक्स नेगेटिव थे, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर एक्स और साथ क्या आ गया आयोटा, ठीक है। किसी भी नेगेटिव नंबर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर रूट के बाहर है। तो नेगेटिव वाले को किसने कन्वर्ट किया, नेगेटिव हटा के आयोटा आ गया और जो पॉजिटिव था उसका क्या आ गया स्क्वायर रूट आ गया। तो अब क्या कहा गया कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स आयोटा, ठीक है, और एक्स इज पॉजिटिव। अब ये क्या किया गया आपको भी देख लें, जो नेगेटिव थे नेगेटिव की जगह आयोटा लगा दिया और बाकी फिर जो बाकी चीज बची है वो स्क्वायर रूट के अंदर वो पॉजिटिव नंबर बचेगा, ठीक है, जितने भी। तो ये अब नई चीज आ गई, अच्छा ये तो बन गया। अब प्रॉब्लम क्या आया, प्रॉब्लम यही आ गया कि हमने तो ये कहा था कि पिछला सेट ऑफ नंबर्स इसके अंदर मौजूद होना चाहिए और कोई नई चीज भी आनी चाहिए, तो ये नई चीज तो आ गई आयोटा वाली। तो पेन का आयोटा आ ही नहीं आता कहीं पे, क्यू के अंदर जो हमने क्यू पढ़े थे उसमें आयोटा नहीं था, क्यू कंप्लीमेंट जो पढ़े थे उसमें भी आयोटा नहीं था। तो ये नई चीज बन गई जिसमें क्या आ गया आयोटा, तो हर नंबर के साथ क्या आएगा आयोटा आएगा। तो ये तो नई चीज आ गई, अब पुरानी चीज तो इसके अंदर नहीं है। अब फिर प्रॉब्लम आ गया, प्रॉब्लम फिर वही आ गया कि रियल नंबर लैदा चलेगा सी लैदा चलेगा, क्योंकि इसमें नई चीज है, पुरानी चीज एडजस्ट नहीं हुई। तो अब क्या किया गया, अब क्या किया गया, अच्छा एक चीज और भी बता दूं, ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की जगह पे हम सिंपल एक्स भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि देखें स्क्वायर रूट एक्स जो है ये आपके पास रियल नंबर बनता है, ये है ना, स्क्वायर रूट टू आ गया, स्क्वायर रूट फाइव आ गया, स्क्वायर रूट फोर आता है, तो स्क्वायर रूट फोर किसमें बन जाता है, टू में बन जाता है, एक नंबर बन जाता है। तो उन्होंने ये कहा कि ये जो स्क्वायर रूट टू है ये क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स के साथ आ गया तो ये क्यू के अंदर मौजूद है, क्यू या क्यू कम्प्लीमेंट या आर के अंदर मौजूद है, आर के अंदर है ना, आर में क्यू भी आता है क्यू कम्प्लीमेंट, अगर स्क्वायर रूट टू आता है तो क्यू कम्प्लीमेंट का हिस्सा बन जाएगा और ये किसका हिस्सा है रियल नंबर्स का। तो उन्होंने यहाँ पे ये कहा कि आप इसको इस तरह लिख दें कि एक्स आयोटा लिख दें और एक्स क्या कह रहे हैं कि एक्स पॉजिटिव है और साथ ये भी कह रहे हैं कि एक्स कहाँ से लिया गया रियल नंबर, यानी कि जो एक्स आएगा ये जो एक्स आएगा या तो वो स्क्वायर रूट टू में आएगा या स्क्वायर रूट फाइव में आएगा या बगैर स्क्वायर रूट के आ जाएगा। तो बगैर स्क्वायर रूट के होगा तो वो क्यू में आ जाएगा, स्क्वायर रूट के साथ होगा तो वो क्यू कम्प्लीमेंट में आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया ये कम्प्लेक्स नंबर। अच्छा अब क्या हो गया इसमें आप अगर देखें तो इसमें ये हो गया कि आयोटा आ गया हर नंबर के साथ, सब नंबर्स के साथ आयोटा आ गया, जबकि जो पहले रियल नंबर्स थे उसके अंदर आयोटा नहीं था। अब ये फिर दो वही क्यू और क्यू कम्प्लीमेंट वाली कहानी बन बन गई कि दोनों अलहदा अलहदा हो गए। अब फिर इसको कंबाइन किया मैथमेटिशियन ने, कंबाइन करके फिर इसको ये वाली फॉर्म लिखी सी इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, क्योंकि इसके अंदर पुरानी चीज नहीं आ रही थी। अब जब मैथमेटिशियन ने लिखा सी इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई तो एक्स और वाई कहाँ से लिए गए रियल नंबर से लिए गए, ठीक है। अब देखें इसके अंदर देखें अगर हम एक्स को जीरो ले लें तो वाई कोई भी नंबर हो तो टू आयोटा बन जाएगा, तो ये तो नई चीज आ जाएगी, ठीक है, नई चीज बन गई। अच्छा अब अगर हम वाई को जीरो ले लें, एक्स कोई भी नंबर ले लें टू ले लेते हैं तो ये वाई अगर जीरो ले लेते हैं जीरो इंटू आयोटा क्या बनेगा जीरो बन जाएगा, तो क्या बचेगा टू बचेगा, तो ये टू क्या बन गया रियल नंबर। यानी कि अगर हम इसको जीरो करते हैं तो नई चीज बन जाती है, अगर हम इसको जीरो करते हैं तो पुरानी चीज बन जाती है। इसलिए हम फिर क्या कहते हैं एक्स इज कॉल्ड एक्स को हम क्या कह देते हैं रियल पार्ट कह देते हैं, क्योंकि इसकी वजह से रियल नंबर मिलता है, और इस वाई को हम क्या कह देते हैं कम्प्लेक्स पार्ट कह देते हैं, क्योंकि इसकी वजह से हमें नई चीज मिलती है, जो नए नंबर बने थे आयोटा वाले इससे हमें आयोटा वाले नंबर मिल जाते हैं। अगर हम एक्स को जीरो ले लें, अगर हम वाई को जीरो ले लें तो रियल नंबर बन जाते हैं पुराने सेट बन जाते हैं। तो अब ये चीजें एडजस्ट हो गई, ये नई वाली चीज भी आ गई पुराने वाली चीज भी। तो जो असल कम्प्लेक्स नंबर है वो ये वाले हैं एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स इज कॉल्ड रियल पार्ट वाई इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट जब भी कहा जाएगा तो आयोटा शामिल नहीं होता, ठीक है, आयोटा इसके साथ अटैच होता है। जैसे वो कह देते हैं कि थ्री इज कम्प्लेक्स पार्ट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर, तो आप समझ लें कि थ्री के साथ आयोटा मौजूद है। कम्प्लेक्स पार्ट का मतलब होता है कि ये आयोटा वाली टर्म है, ठीक है। तो ये अब हमारे पास सेट ऑफ नंबर जो नए बने वो क्या बने एक्स प्लस आयोटा वाई। अच्छा अब इसके अंदर एक चीज और भी याद रखिएगा
कि अगर नंबर इस तरह का अगर 2+3 आइटम 5 का नंबर हो, एक में आयता हो एक में आयता ना हो, तो ये कम्प्लेक्स नंबर कहलाता है. दिस इज कॉल्ड कम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, कम्प्लेक्स नंबर को हम इमेजिनरी नंबर भी कहते हैं. तो ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर, अगर 2+3 ऐसा हो तो जिसमें रियल पार्ट भी हो और इमेजिनरी पार्ट भी हो, तो उसको हम कहते हैं कम्प्लेक्स नंबर. अगर खाली ये आ जाए, रियल पार्ट किसी के अंदर अगर मौजूद ना हो, हम उसको क्या कहते हैं, प्योर कम्प्लेक्स नंबर. बस ये चीज़ याद रखिएगा आगे कई जगहों पर आएगी. ठीक है, अगर ये दोनों पार्ट आए, रियल और इमेजिनरी पार्ट, उसको हम कहते हैं कम्प्लेक्स नंबर. और बार दफा रियल पार्ट नहीं आता, खाली आयोटा वाली टर्म आती, तो उसको हम कहते हैं प्योर कम्प्लेक्स नंबर. तो ये हमारे पास कम्प्लेक्स. अच्छा, उसके बाद एक चीज़ और भी याद रखिएगा कि जब भी हम मैथमेटिक्स को पढ़ते हैं तो हम इसमें दो तरीकों से पढ़ते हैं. एक तो हम इसको पढ़ते हैं एनालिटिकल, थ्योरेटिकल, और एक हम इसको पढ़ते हैं ग्राफिकल. ग्राफिकल हम ज्योमेट्रिकल भी कहते हैं. ठीक है, और एनालिटिकल थ्योरेटिकल भी कहते हैं. थ्योरेटिकल भी पढ़ते हैं और ज्योमेट्रिकल. हमेशा मैथमेटिक्स को दो पॉइंट ऑफ व्यू से कि ग्राफ बना के भी हम स्टडी करते हैं, ग्राफ से चीज़ें स्टडी करना आसान होती हैं, और एनालिटिकल भी पढ़ते हैं. ये जितना भी अभी आपने सेट्स पढ़े वो सारे क्या थे, एनालिटिकल थे. अगर हम ग्राफिकल पार्ट करें तो जो रियल नंबर्स आपने पढ़ा है, रियल नंबर्स, तो जो हमने रियल नंबर्स पढ़े हैं, इसका जो ग्राफिकल पार्ट है उसको हम कहते हैं रियल नंबर लाइन कहते हैं. वो एक स्ट्रेट लाइन होती है, जीरो यहाँ पे प्लस वन, यहाँ पे प्लस टू, यहाँ पे माइनस वन, यहाँ पे माइनस टू, सो ऑन. रियल नंबर लाइन इज द ग्राफिकल पार्ट ऑफ द रियल नंबर्स. ठीक है, इसी तरीके से कम्प्लेक्स जो होगा, कम्प्लेक्स नंबर्स, उसका जो ग्राफ होता है उसको हम कहते हैं आर्गन डायग्राम, आर्गन ग्राफ. ठीक है, वो जब हम कम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तो उसके अंदर. अच्छा, अब यहाँ से क्या हुआ, अब हम अच्छा सेटल नंबर खत्म नहीं हुए, सेटल नंबर जिसके बाद भी चल रहे हैं. ठीक है, कम्प्लेक्स एक्सटेंडेड कम्प्लेक्स नंबर, एक्सटेंडेड रियल नंबर, नंबर्स खत्म नहीं हुए, आप लोगों के लेवल के लिए खत्म हुए. अब हमारे पास दो किस्म के नंबर्स आपके पास आ गए, एक तो रियल नंबर्स आ गए, एक आपके पास क्या आ गए, कम्प्लेक्स. अब ये जितनी भी चीज़ें अब आप पढ़ोगे मैथमेटिक्स के अंदर, तो वो रियल नंबर्स के ऊपर भी हो सकती हैं, वो कम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर भी हो. जिस तरह अभी आपने कैलकुलस जो पढ़ा है ना, कैल वन जो पढ़ा है, कैलकुलस ये जो पढ़ा है आपने, कैलकुलस वन पहला पार्ट, वो कैलकुलस रियल नंबर्स के भी ऊपर हो सकता है, कैलकुलस कम्प्लेक्स नंबर के भी. यानी कि कैलकुलस के जो अभी आपने कैलकुलस वन पढ़ा है, इसके दो पार्ट बन जाते हैं आगे, के कैलकुलस ओवर रियल नंबर, कैलकुलस ओवर कम्प्लेक्स. यानी कि कैलकुलस के अंदर जैसे डेरिवेटिव है, इंटीग्रेशन है, नंबर्स हैं, ग्राफ है, वैल्यू है, लिमिट है, कंटिन्यूटी है, उसके अंदर जितने भी नंबर्स लेंगे वो कहाँ से लेंगे, रियल नंबर से. तो इसको हम कहते हैं कैलकुलस ऑफ रियल नंबर. डोमेन में भी आप देखें, ठीक है, उसके अंदर. अच्छा, और एक कैलकुलस बन जाता है कैलकुलस ओवर कम्प्लेक्स नंबर, यानी कि जिसके अंदर हम जितने भी नंबर्स लेंगे वो सारे कहाँ से लेंगे, कम्प्लेक्स से लेंगे. तो कैलकुलस भी आपकी छोटी चीज़ नहीं है. जो कैलकुलस वन पढ़ा है उसमें तो आपको जनरली बताया गया होगा कि वो रियल नंबर पे डिफाइन किया गया है, मगर याद रखिएगा कैलकुलस आगे भी डिफाइन हो जाता है रियल के ऊपर और कम्प्लेक्स के ऊपर. ठीक है, तो ये आज का लेक्चर था, नंबर्स के बारे में ब्रीफ था. इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हम वो वहाँ पर